एक समय था जब उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बड़े बड़े माफियाओं का काफी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन था, और अब भी है। कई नेता हैं जो अपने इलाके के बड़े बाहुबली हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में माफियाओं और बाहुबली नेताओं की या तो एनकाउंटर में या फिर नेचुरल डेथ हो गई है। बीते 7 सालों में एक के बाद एक बड़े नामी गैंगस्टरों की मौत हुई है। मुख्तार अंसारी से लेकर मुन्ना बजरंगी और अतीक अहमद तक कई गैंगस्टरों की मौत हुई है, और उनकी मौत पर सवाल भी उठे हैं। इस वीडियो में हम इस पूरी सीरीज के एक फ्लैशबैक में जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत एक रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। 9 जुलाई 2018, मुन्ना बजरंगी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ माना जाता था। 2018 में बागपत जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद मुख्तार अंसारी को दूसरे गैंग के हावी होने का डर सताने लगा था। अब अगर हम गैंगस्टर्स की मौत के बारे में बात कर रहे हैं तो विकास दुबे का केस तो मेंशन करना जरूरी है। 10 जुलाई 2020 को यूपी पुलिस ने एक विवादित एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे को मार दिया था। इस एनकाउंटर पर काफी सवाल भी उठे थे। दरअसल यूपी पुलिस विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ला रही थी। पुलिस ने उस वक्त कहा कि वहां से आते वक्त गाड़ी पलट गई, जिसके बाद विकास दुबे ने भागने और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। इस बीच जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने विकास दुबे को मार गिराया। हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, जबरन वसूली, धोखाधड़ी समेत करीब 60 से ज्यादा केस विकास दुबे के नाम पर दर्ज थे। कई बार वो पकड़ा भी गया, पर बहुत ज्यादा वक्त जेल में नहीं रहा, बल्कि हमेशा आसानी से जमानत मिलती गई। 30 सितंबर 2022 को जौनपुर में गैंगस्टर विनोद कुमार सिंह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदलापुर थाना क्षेत्र में जौनपुर पुलिस और विनोद के बीच फायरिंग हुई थी। विनोद मारा गया। विनोद पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। 15 अप्रैल 2023 पिछले साल यानी कि 2023 में मीडिया के सामने जिस तरह अतीक अहमद मारा गया वो सीन तो आपको याद ही होंगे। 15 अप्रैल 2023 की रात को प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। इस हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। वो दोनों उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे। हत्या के समय उन्हें प्रयागराज के अस्पताल से लाया जा रहा था। 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में अतीक अहमद का बेटा असद और उसके शूटर मोहम्मद गुलाम को भी मार गिराया गया। 7 जून 2023 लखनऊ के कैसर बाग कोर्ट में वेस्ट यूपी के गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, जहां उसे गोली मार दी गई। उस पर बीजेपी नेता की हत्या के मामले में वो आरोपी था। जेल में संजीव जीवा उम्र कैद की सजा काट रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक इस घटना में एक बच्चे समेत 3 लोग घायल भी हुए थे। हमलावर वकील की ड्रेस में वहां पर आए थे। 12 जुलाई 2023 को बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी गैंगस्टर कुलदीप जघीना की भरतपुर कोर्ट ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने जघीना और उसके साथी पर करीब 15 राउंड गोलियां चलाई। यूपी के बाहर भी कुछ एनकाउंटर विवादों और सवालों के घेरे में आते रहे। बहरहाल आपको बता दें कि हाल ही में दिए गए योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफी चर्चा में है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले की सरकारों में अपराध चरम पर थे, लेकिन अब अपराधी गले में तख्ती लटका कर जान की भीख मांग रहे हैं। सुनिए ये उनकी बाइट। एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, अब किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।